स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 10 मई 2024 को पृथ्वी पर आए शक्तिशाली सौर तूफान का कारण क्या था? ए कोरोनल मास इजेक्शन CME, बी सौर ज्वालाएं, सी सूर्य ग्रहण, डी चंद्र ग्रहण। आंसर ए कोरोनल मास इजेक्शन CME। एक्सप्लेनेशन, 10 मई की रात को एक असामान्य रूप से शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी से टकराया, जिससे ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्रिटेन तक आकाशीय रोशनी दिखाई देने लगी। सौर तूफान पृथ्वी के संचार नेटवर्क, उपग्रहों और बिजली ग्रिडों में संभावित व्यवधान का खतरा पैदा करता है, क्योंकि यह सप्ताहांत तक जारी रहेगा। सूर्य 11 वर्षीय चक्र के चरम के करीब है, जिसके परिणाम स्वरूप सौर गतिविधि में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न, मई 2024 में विश्व रैपिड और ब्लिट्स पोलैंड शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? ए आर प्रज्ञानानंद, बी मैग्नस कार्लसन, सी अर्जुन एरिगेसी, डी वे ही। आंसर बी मैग्नस कार्लसन। एक्सप्लेनेशन, मैग्नस कार्लसन ने 12 मई 2024 को लगातार सभी 9 अन्य खिलाड़ियों को हराकर वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्स पोलैंड प्रतियोगिता में जीत हासिल की। वहीं भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 मई को एक मैच में मैग्नस कार्लसन को हराते हुए चौथे स्थान पर रहे। ये टूर्नामेंट ग्रैंड चेस टूर का हिस्सा है। अगला प्रश्न, मातृ दिवस कब मनाया जाता है? ए मई में पहला रविवार, बी मई में दूसरा रविवार, सी मई में तीसरा रविवार, डी मई में चौथा रविवार। आंसर बी मई में दूसरा रविवार। एक्सप्लेनेशन, मातृ दिवस दुनिया भर के विभिन्न देशों में माताओं और मातृतुल्यों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाने वाला एक विशेष अवसर है। मदर्स डे मनाने की शुरुआत अमेरिकन महिला एना जॉर्विस ने की थी। हालांकि मातृत्व दिवस को मनाने की शुरुआत औपचारिक रूप से 9 मई 1914 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने अमेरिकी संसद में कानून पास करके हर साल मई के महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाने का फैसला लिया था। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? ए हरियाणा, बी सिक्किम, सी मेघालय, डी गुजरात। आंसर सी मेघालय। एक्सप्लेनेशन, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 13 से 26 मई 2024 तक उमरोई, मेघालय में स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में भारत में फ्रांसीसी राजदूत थियरी माथो, 24 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मयूर शेखतकर और अन्य नागरिक और सैन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए हैं? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर डी ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन, ऑस्ट्रेलिया में विदेशी कामगारों के लिए वीजा 457 रद्द करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 9 मई को नागरिकता कानून भी सख्त कर दिए। नागरिकता आवेदन से पहले ऑस्ट्रेलिया में 4 साल रहना जरूरी होगा। आपराधिक मामलों आदि की पुलिस द्वारा गहन छानबीन, नागरिकता परीक्षा में 3 बार विफल रहने पर 2 साल परीक्षा नहीं दे सकेंगे। परीक्षा में ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों से जुड़े सवाल प्रमुख होंगे।